हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? बढ़िए। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज, ठीक है। और उस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट का करीब 3 प्रॉपर्टी का जिक्र किए थे, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3। और मैंने आपको भी बताया था कि सर जो भी आपका प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का नंबरिंग और व्हाट इज प्रॉपर्टी ये जानने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे एनसीआर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी फॉर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट चैप्टर 4 क्लास 12 प्रॉपर्टी 4 देखिए, प्रॉपर्टी फॉर क्या बोलता है ना कि अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, और अगर उसमें किसी भी रो या फिर किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपका कोई फर्क पड़ने आपका जो डिटरमिनेंट है वो k टाइम्स हो जाएगा। पहले मैं लिखता हूं, ठीक है। तो इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसे के मानता हूं, देन द डिटरमिनेंट बिकम्स के टाइम्स, इस बात को समझिए क्या लिखा मैंने। मैंने लिखा जी इफ एनी, तो मैंने जब एनी का जिक्र कर दिया तो एनी बोलने का मतलब है आपको सब में मल्टीप्लाई नहीं करनी, किसी एक में करनी है या फिर रो या फिर कॉलम, ठीक है। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट और उसमें किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, किसी भी एक रो में या फिर किसी भी कॉलम में अगर आपने के से मल्टीप्लाई किया, कोई भी नंबर है के का वैल्यू 1, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 1/2, 3/4 कुछ भी, किसी भी कांस्टेंट से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो डिटरमिनेंट है वो उतना टाइम्स हो जाएगा। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स हो जाएगा, अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे बात समझ में थोड़ा होगा, इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। चलिए प्रूफ, कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं जी, ए इक्वल टू कितना मान लू, तो ए इक्वल टू कुछ मान लीजिए ना अपना मन से, 1, 5, 6, 2, 3, 9, 4, 5, 2, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ये बोले तो कितना होगा, 1 होगा ना, और कितना बचेगा 3, 9, 5 और 2, ये बचा, सॉरी, उसके बाद कितना -5, यही ना सर -5, और ए लाइन और ए लाइन खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा 2, 9, 4 और 8, 2 बचा +6, ठीक है, ए लाइन खत्म, ए लाइन खत्म, तो कितना बचा 2, 3, 4 और ये आपका, इसको सॉल्व कर लेता हूं। चलिए तो 1 है, 1, 3 2 6, -45, -5, 4, -36 और +6 और 10, -12 हो गया जी। इसको कितना आता है सॉल्व कीजिए तो -39
माइनस फाइव और कितना माइनस 32 और प्लस 6 और ये आपका कितना माइनस 2। तो मेरे भाई माइनस 39 प्लस ये भी सही है 5 2 10 5 3 15 16 और सही है और माइनस 12 यानी बोले तो 160 माइनस है सॉरी 50 यानी ये सर कितना हो गया 109। ये किसका जो आ गया ये का डिटरमिनेंट 109 10 में से 1 गया 9 5 में से 5 गया 0 1 का 1 यानी सही है। ये तो हमारे पास सिंपल है। अब क्या बोलता है जी आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से कीजिए 3 से कीजिए माइनस 2 से कीजिए माइनस 3 से कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ठीक है आपका जो मन है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं सोच रहा था किसी भी एक में मल्टीप्लाई करूं मैं काम करता हूं मेरा जो आर्बन है ये ना कार्बन है ठीक है तो आर्बन में मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से आपका मन है 3 से कर सकते हैं आपका मन है 4 से कर सकते हैं आपको पर डिपेंड करता है ठीक है और इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से तो नाउ मल्टीप्लाई इन R1 बाय 2 मैंने अपना मन से इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो मेरा जो डिटरमिनेंट है जी इसको क्या मान लूं बी मान लेता हूं चलिए बी है ना तो मल्टीप्लाई कीजिए सॉरी इसको डिटरमिनेंट ही रखिए उतना क्या सोचना जी तो ये कितना हो जाएगा बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ये तो 2 हो जाएगा ना 5 है 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये कितना हो गया 10 और ये आपका हो गया आगे मल्टीप्लाई कर सकते देखिए मैट्रिक्स में जितना भी आपका नंबर है जितना भी नंबर उसके अंदर सब में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 8 नंबर है 9 नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सब में आपको मल्टीप्लाई करना है ठीक है लेकिन डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही आपको जानी है तो हम लोग पहला में चलते हैं 156 इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ये आपका 2 हो गया ये आपका 10 हो गया और ये आपका 12 हो गया बाकी में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो सर ये तो आपका 2 ही था ये तो आपका 3 है ये तो आपका 9 है ये आपका 4 है ये आपका 5 है और ये आपका 2 है ठीक है चलिए इसका वैल्यू निकालो निकालिए वैल्यू बीच इक्वल टू 2 हो गया ना तो 3 9 5 2 माइनस 10 ये कितना तो सर 2 9 4 2 और प्लस 12 तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4 5 ठीक है चलिए इसको सॉल्व किया है ना सॉल्व कर लेते हैं जी 2 और सॉरी इसको सॉल्व कीजिए बी इक्वल टू 3 2 6 माइनस 45 और माइनस 10 4 माइनस 36 और प्लस 12 10 माइनस 12 तो सर 2 × −39 माइनस 10 और ये कितना −32 और प्लस 12 और ये कितना जी −2 ठीक है चलिए सर इसको बोलिए −78 प्लस 320 और −24 ऐड कीजिए इसको सॉरी 320 माइनस 45 तो ये आपको आ जाना चाहिए करीब कितना होना चाहिए गुना बहुत तो सही है ना मेरा ना 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 8 × 2 कितना हो गया सॉरी ये लगता है हमने गलत कर दिया जी ये दोनों ऐड होगा ना 8 और 4 12 और 7 2 9 और एक कितना
टेन, तो फाइनल हमारे पास कितना बचेगा, वन वन सॉरी टू वन, एक इसका वैल्यू आ गया बी का, आया बी का। यानी कि सर अगर हमारे पास बी का वैल्यू टू वन एट है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि टू इन टू वन जीरो नाइन लिख सकते हैं ना, यानी कि सर बी का वैल्यू हो गया टू एट। तो मेरा प्रॉपर्टी यही बोलता है, कुछ सारी बात समझ में, कि अगर आप किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डिटरमिनेंट है वो भी आपको उतना टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर R1, R1 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, टू से, ध्यान दीजिए सर हमारा जो R1 था R1 में हमने मल्टीप्लाई किया टू से, तो मेरा जो डिटरमिनेंट है वो भी कितना टाइम हो गया ना, देखिए हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो भी कितना टाइप में कितना टाइम्स हो गया, टू टाइम्स। एलन क्लियर है, बात सही है, ठीक है। हमने रो में मल्टीप्लाई किया, अगर सर आपको बात समझ में आती है तो आप किसी कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार कीजिए दो बार कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हर एक बार जितना करते जाइएगा आपका जो डिटरमिनेंट है उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा। मान लीजिए हम पहला बार दो से किए दो गुना बढ़ गया, दूसरा बार फिर तीन से किए फिर तीन गुना बढ़ेगा, तीसरा बार फिर किए चार से फिर आपका चार गुना बढ़ेगा। जितना टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा उतना ही टाइम्स आपका वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी फोर है, प्रॉपर्टी फाइव, प्रॉपर्टी फाइव हाँ इसका भी सर कॉम बेसिस ठीक ठाक होता है। प्रॉपर्टी फाइव, प्रॉपर्टी फाइव आपका बोलता है कि एडिशन, इसको बोल सकते हैं एडिशन, ठीक है, सेपरेशन, मैं सेपरेशन लिख देता हूँ। इसमें करीब बात की जाए तो इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट कैन बी expressed as the sum of two numbers, then determinant can also be separated as two determinant। देखिए जी लैंग्वेज पे आपको नहीं जाना है, ठीक है कि सर लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर इस यहाँ पे यस होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ है ग्रामर नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन इतना है कि सर जो लिख रहे हैं बस वो बातें समझ में आनी चाहिए। मेरा जो बताने का व्यू है कि अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है कोई भी, उसके किसी भी रो एक हो जाए ज्यादा, ठीक है, उसके किसी भी रो या फिर कॉलम, ठीक है, को अगर आप दो नंबर्स में बांट सकते हैं, किसी भी मान लीजिए रो या फिर कॉलम है तो उसको दो में बांटना तीन में बांटना बांट सकते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में आपका जो डिटरमिनेंट है उसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। ये थोड़ा टफ लगता है, ठीक है, लेकिन मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल की बात करूं अगर सिंपल से तो प्रूफ है तो मैं करूंगा इसका। अगर इसमें देखा जाए तो सर करीब है, ऐसा मान लेता हूं ए वन प्लस लेमडा वन ए टू प्लस लेमडा टू
ए थ्री प्लस लेमडा थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री हुआ ना। देखिए हमारे पास जो पहला रो हमारे पास क्या है, ए वन प्लस लेमडा वन, ए टू प्लस लेमडा टू, ए थ्री प्लस, दो दो नंबर का कॉम्बिनेशन है ना, दो नंबर का जोड़ सर जी। ए भी आपको दो नंबर का जोड़ है, ए भी आपको टू है, ए टू और लेमडा टू, ए भी आपका है ए थ्री और लेमडा थ्री। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मेरा जो बताने का व्यू है, यानी कि सर आप यहाँ पर इसको दो पार्ट बांट सकते हैं। दो पार्ट में कैसे, तो एक आपको हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री हो गया, और प्लस एक और हमारे पास हो जाएगा लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। अब शायद कुछ बातें क्लियर हो रही होगी। मैंने क्या बोला, अगर सर हमारे पास कोई रो है या फिर कॉलम है तो उसको अगर आप दो दो नंबर में बांट सकते हैं तो आपका जो डिटरमिनेंट है उसे भी आप दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी कि सर अगर हमारे पास ए वन प्लस लेमडा वन है, ए टू प्लस लेमडा टू है, ए थ्री प्लस लेमडा थ्री है, तो उस केस में आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री। देखिए नीचे का जो पोर्शन है B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये सेम रहेगा, यहाँ भी आपका सेम रहेगा, यहाँ भी आपका सेम रहेगा, यहाँ भी आपका B1, B2, B3, C1, C2, C3, यहाँ भी आपका है B1, B2, B3, C1, C2, C3, और यहाँ भी आपका है B1, B2, B3, C1, C2। उसमें कोई आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला बस बदलेगा। ठीक है सर, इसका प्रूफ किया जाए, चलिए और इसका प्रूफ मैं कर देता हूं, इसी में कर देता हूं, एग्जांपल कर लेना। चलिए एलएचएस है ना, हमारे पास एलएचएस है, इसको तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, ए वन प्लस लेमडा वन होगा ना, तो क्या बचेगा बी टू बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री हो गया, और प्लस सॉरी माइनस ए टू प्लस लेमडा टू, और ये आपका सर ये लाइन को खत्म ना, तो बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री प्लस ए थ्री प्लस लेमडा थ्री, ये ना ए थ्री प्लस लेमडा थ्री, तो क्या बचेगा बी वन बी टू सी वन सी टू हो गया, बी वन बी टू सी वन सी टू हो गया जी यहां तक। चलिए मैं काम करता हूं, इसको अलग अलग कर देता हूं, ए वन और बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री प्लस लेमडा वन बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री, कोई डाउट। देखिए सर ये तो ब्रैकेट में है ना, तो मल्टीप्लाई में दोनों में जाएगा, तो ए वन से भी आपका मल्टीप्लाई होगा और लेमडा वन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए टू बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री माइनस लेमडा टू बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री, दिखाई पड़ रहा है यहां तक, प्लस ए थ्री बी वन बी टू सी वन सी टू, और प्लस लेमडा थ्री बी वन बी टू सी वन सी टू हो गया। इसको मैं ये तीनों पोर्शन को आप एक साथ कीजिए, और सर ये तीनों पोर्शन को एक साथ कीजिए, तो यकीन मानिए आपका यकीन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं ऊपर ले लेता हूं,
इसको भी तुम्हारे पास कोई जरूरत बचा नहीं। यानी कि सर ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू ए वन बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री माइनस ए टू, साथ में लिखना है ना, बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री प्लस ए थ्री बी वन बी टू सी वन सी टू हो गया माइनस प्लस, इसको साथ में रखता हूं मैं, ये सर कितना लेमडा वन, तो लेमडा वन तो हमारे पास क्या बचेगा बी टू बी थ्री बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री माइनस लेमडा टू माइनस लेमडा टू, ये आपको हो जाएगा बी वन बी थ्री बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री हुआ, और प्लस लेमडा टू सॉरी लेमडा थ्री, और ये आपका हो जाएगा बी वन बी टू सी वन सी टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही है जो सर यहां पर है वही आपके ऊपर में, बस मैंने लेमडा वाले को एक साथ और ए वाले को एक साथ कर दिया और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए हम लोग अब कहां से चलेंगे जी, आरएचएस, आरएचएस थोड़ी तो कितना आता है आरएचएस, ये ना हमारे पास आरएचएस है थोड़ी, इसको नाउ आरएचएस ए वन होगा ना, ए वन हमारे पास क्या बचेगा सर बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री, अब तो क्लियर हो गया होगा, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री माइनस ए टू हो गया, ए लाइन और ए लाइन खत्म, तो हमारे पास बचेगा बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री और प्लस ए थ्री, ए लाइन खत्म ना, तो क्या बचेगा बी वन बी टू सी वन सी टू बी वन बी टू सी वन सी टू ठीक है, प्लस लेमडा वन, इसका तो काम हो गया, लेमडा वन में आइए क्या बचेगा बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री जो यहां पे था, लेमडा वन सर बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री माइनस लेमडा टू, ये है ना ऐसे, तो क्या होगा बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री प्लस लेमडा थ्री, ये लाइन सर खत्म हो जाएगा आपका, तो बी वन बी टू सी वन सी टू बी वन बी टू सी वन सी टू, और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को मिलाइए, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वही आपका इक्वेशन नंबर सेकंड भी है, देख लीजिए सर तो मिलाने की चीज है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही पास हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा जो एलएचएस है वो किसके बराबर आ गया आरएचएस, ठीक है, और इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी चला गया, देखिए एक बात और जानी है आपको सर जी, बस प्रॉपर्टी जाननी है, प्रॉपर्टी का प्रूफ जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ होता है कैसे प्रूफ नहीं होता है ये सारी चीजें ना तो आपको एग्जाम में आएंगी और ना तो आपको ज्यादा सोचना है, हाँ लेकिन प्रॉपर्टी को जरूर याद रखें, आपका एग्जाम में प्रॉपर्टी नहीं आएगा, उसका अप्लाई है ना, उसका एप्लीकेशन आएगा, अप्लाई कहाँ पे करते हैं, ठीक है, चलिए इसको मिटा दो,
अंतिम हमारे पास प्रॉपर्टी, और यूं कहें तो सर डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होने वाला प्रॉपर्टी है तो यही है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि सर प्रॉपर्टी नंबर सिक्स सबसे VVI और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी और बहुत काम की चीज भी है, ठीक है सर, बहुत काम की चीज है ये प्रॉपर्टी। और क्या बोलता है इसमें कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय एनी कॉन्स्टेंट के एंड देन एडेड, एंड देन एडेड इनटू अनदर रो और कॉलम, एंड देन एडेड इनटू अनदर रो एंड कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज। काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है, लेकिन सर देखिए बात को समझिए, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, उसके किसी भी रो में गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, दो से कीजिए, तीन से कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसे किसी में ले जाके जोड़ दीजिए। जैसे अगर मानिए हमारे पास तीन रो है, R1, R2 और R3, हमने R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, कर दिए, ठीक है, और R1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे जाके R3 में जोड़ दिया, ठीक है, R3 में जोड़ दिए, तो इस केस में आपका जो डिटरमिनेंट है उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, जो पहले वैल्यू था अभी आपका वही। जैसे थोड़ा सा बस है ना समझिए सर, प्रूफ, प्रूफ से पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमने कोई डिटरमिनेंट लिया जैसे A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कुछ ले लीजिए, ठीक है। A1, B1, C1, A2, B2, C2 और A3, B3 और C3, इसमें किसी भी में कोई से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई से भी, कोई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये है ना, इसमें K से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा सर, एक मिनट, हाँ चलिए कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए K से, तो ये क्या हो जाएगा K3, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा K3, ये क्या हो जाएगा K3, यही ना हो, ये हमारे पास R3 है, ये आपका R2 है, और ये आपका क्या है R1, R2 है हमारे पास क्या है R1, हमने R3 में किससे मल्टीप्लाई किया K से, तो जैसे ही मैंने R3 में K से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको हो जाएगा K3, KB3, KC, तीनों मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई तो आपने कर दिया, अब उसे किसी में ले जाके जोड़िए फिर घटाइए, यहां पर मैं एक बात और लेता हूं, देन एडेड और सबट्रैक्टेड, इसे किसी भी दूसरे रो या फिर R2 या फिर R1 में ले जाके जोड़िए या फिर घटाइए किसी में। चलिए मैं इसे R1 में ले जाके जोड़ता हूं, R1 में, तो बोलिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस KA3, यही ना बात हुई,
बात को समझिए, हमने क्या किया, आर थ्री में कोई सा मल्टीप्लाई कर दिया k से, तो क्या हो जाएगा, के ए थ्री के बी थ्री के सी और सॉरी के सी थ्री, इससे ले जाके आर वन में जुड़िए, तो सर ए वन प्लस के ए थ्री प्लस और ये क्या हो जाएगा बी वन प्लस के बी थ्री प्लस सॉरी ये कितना सी वन है ना, सी वन प्लस के सी थ्री, बाकी तो आपका सेम रहेगा ए टू बी टू सी टू ए थ्री डी थ्री सी थ्री। तो इस केस में हमारा जो डिटरमिनेंट है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा ये है वही हमारा ये है, कुल ही हमारा बताने का मकसद है, यही आपका व्यू है। व्यू क्या है जी, तो सर किसी भी एक में मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी एक में मल्टीप्लाई कीजिए और उसे ले जाकर दूसरे में जोड़िए या फिर घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया, आर थ्री में के से मल्टीप्लाई किया और उसे ले जाकर किस में जोड़ दिया, आर वन में। हाँ एक बात और, हम लोग इसको लिखते कैसे, ठीक है, तो लिखने का सरल तरीका है, हमने आर थ्री में किस से मल्टीप्लाई किया था, के से, यही ना, हमने आर थ्री में के से मल्टीप्लाई किया और इसे ले जाके किस में जोड़ दिया, आर वन में, यही ना बात हुई, के सॉरी आर थ्री से के में मल्टीप्लाई किया और इसे ले जाके जोड़ दिया आर वन में। तो इसको ऐसे लिखते हैं बाय, ये आपका लिखने का तरीका है। इसको उल्टा पढ़ता हूं मैं, आर वन मैंने क्या किया, आर वन में आर वन प्लस के आर थ्री, यानी कि आर थ्री में के से मल्टीप्लाई किया और इसे लाके आर वन में जोड़ दिया, ठीक। चलिए इसको प्रूफ में कर देता हूं, सिंपल सा प्रूफ है, चलिए प्रूफ, हम लोग चलते हैं आरएचएस से। आरएचएस हमारे पास है ए वन प्लस के ए थ्री बी वन प्लस के बी थ्री और सी वन प्लस के सी थ्री, ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, यही है ना। प्रॉपर्टी फाइव याद कीजिए, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, बताए ना प्रॉपर्टी फाइव में कि सर यहाँ पे जो अगर दो दो का सम आता है, दो दो का जोड़ आता है, तो आप उसे अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि सर ए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, हो गया। मैंने ऐसे निकाल लिया इसको, ए वन को बी वन को और सी वन को, अब ये तीनों मेरा एक साथ जाएगा, तो सर प्लस के ए थ्री के बी थ्री के सी थ्री है जाएगा ना, अब ये तीनों साथ में आएगा के ए थ्री के बी थ्री के सी थ्री के साथ में जाएगा, और सर ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, ये हमें कहाँ से मिला, तो हमें सर मिला बाय प्रॉपर्टी